रिव्यू सॉल्व करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कोड कर लो पर आज सॉल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। इजी लेवल के अपने पास प्रॉब्लम है तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उसके प्रोज देखेंगे उसको करेंगे दोनों लाइन में कोड। ठीक है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने पास क्या कह रही है, गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, ठीक है, आस्क इज टू चेक इफ द गिवन एरे कैन बी ए लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए मैक्स हीप। ठीक है मैक्स हीप क्या होती है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, जैसे 90 है तो उसकी जो चाइल्ड नोड है वो उससे छोटी होगी, 15 है तो इसकी चाइल्ड नोड इससे छोटी होगी, 10 है तो इसकी चाइल्ड नोड इससे छोटी होगी, ये आपकी बनती है मैक्स हीप। ठीक है और हमें क्या बताना है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है क्या जो एरे गिवन है वो किसी मैक्स हीप का। ठीक है तो अपना क्या करते हैं भाई, हम इसी एग्जांपल को ना व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं फिर समझेंगे। ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा है, हमें दिया हुआ है भाई 90, 15, 10, फिर क्या अपने पास 7, 12, 2 कुछ ऐसा है। इसकी हीप क्या बनेगी, 90, फिर 15 और 10, इसके चाइल्ड आगे 2, फिर 2 चाइल्ड आगे किसके 15 के, फिर एक चाइल्ड आगे किसका 2 का। ठीक है हर एक के हमें 2-2 चाइल्ड अपने फिल करते हुए चलना है। अब क्या ये जो हमने बनाया मामला, क्या ये मैक्स हीप को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि हर एक पेरेंट ग्रेटर है अपने सभी चाइल्ड से, हर एक पेरेंट ग्रेटर है अपने सारे चाइल्ड से, सिमिलरली यहाँ पर। ठीक है अब सबसे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, हमें ऐसे ट्रैवर्स करना है 90, 15, 10, 7, 12, 2, ये देखो 19, 15, 10, 7, 12, 2 बिल्कुल सिंपल। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं इसमें, मान लेते हैं हम सबसे पहले लेके चलेंगे अपनी वाली नोड, इस पर हम कोई भी इंडेक्स मतलब एक वेरिएबल लगा देंगे, ठीक है, जो इसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मान लेते हैं कुछ भी आई कह देंगे, ठीक है कि आई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है इसके 2 चाइल्ड होंगे, वो 2 होंगे इससे अगले, हमें क्या करना है इन 2 को इससे कंपेयर करना है, क्या वो इससे छोटे हैं, क्या छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई सा भी बड़ा मिलता है तो रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है ठीक है हमने कंपेयर करा दोनों छोटे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है। ठीक है एक काम कर लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, वहाँ पर थोड़ी ही ज़्यादा होचपोच हो रही है। ठीक है हमने क्या करा, इस पर हमारा पॉइंटर है एक, हमने इन दोनों को कंपेयर करा कि हाँ भाई ये छोटे हैं क्या, बिल्कुल ठीक है। अब पॉइंटर मेरा इस पर आया तो इसके चाइल्ड क्या, अब यहाँ तक आप कंपेयर कर चुके हो, अगले 2 इसके चाइल्ड होंगे, मतलब 15 के चाइल्ड क्या होंगे, 7 और 12 दोनों छोटे हैं। ठीक है अब आप आए 10 पर, अब 12 तक आपका कंपेयर हो चुका है, अगले जो भी चाइल्ड होंगे 2 चाइल्ड वो किसके होंगे 10 के, लेकिन 2 हमारे पास नहीं है, एक ही है तो एक ही चाइल्ड है उसका, वो से छोटा है, मामला खत्म, रिटर्न ट्रू। अगर बीच में कोई ऐसा कंपेरिजन करते हुए रिटर्न मिल जाए तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे, टाइम और स्पेस क्या लगने वाला है वो भी आपको बता देते हैं, सिर्फ इसको ट्रैवर्सल कर रहे हैं, अरे और कुछ नहीं, ऑफ एंड स्पेस क्या लगने वाला है, जी स्पेस अपना लगने वाला है ऑफ 1। ठीक है कोई स्पेस यूज नहीं करेंगे। अब चलते हैं करते हैं इसको सबसे पहले अपना सी प्लस प्लस में कोड। अब देखो हमें सिंपल क्या करना है भाई, मान लेते हैं चाइल्ड के लिए हमें एक ले लेते हैं इंडेक्स जे वन, क्योंकि जो पहली रूट है 0 इंडेक्स पर पड़ी है उसके चाइल्ड कहाँ से शुरू होंगे, इंडेक्स 1 से। ठीक है हमें क्या करना है, 4 int i = 0, i < n i++, ये किसके लिए चल रही है लूप, ये चल रही है मेरी नोड के लिए, जैसे सबसे पहले मेरा 0 होगा वो इंडिकेट करेगा रूट को, ठीक है वो इंडिकेट करेगा रूट को i वाला, और जो j वाला है 1 से है वो किसको इंडिकेट करेगा, उसके चाइल्ड को। ठीक है तो हमें सिंपल क्या करना है, अगर j लेस देन है n से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि j आउट ऑफ बाउंड हो जाए, एंड एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i, चाइल्ड ग्रेटर है रूट से, रिटर्न फॉल्स, सिंपल। अब ये एक चाइल्ड का कंपेरिजन हुआ दूसरे का रहता है इफ जे प्लस वन, दूसरा कहाँ पर पड़ा है, जे प्लस वन इंडेक्स पर, जे प्लस वन लेस देन एन एंड एरे ऑफ जे प्लस वन इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई देन ऑल्सो रिटर्न फॉल्स। ठीक है इसको पहले ओके कर देते हैं। ठीक है अब देखो, अब मेरा जे क्या है यहाँ, मतलब इसके बाद यहाँ पर मेरा जे क्या होगा, 1 ही होगा, जे मेरा 1 ही होगा, लेकिन कंपैरिजन मैं 1 का भी कर चुका हूँ और मैं कंपैरिजन इंडेक्स 2 वाले का भी कर चुका हूँ, मेरे को जे को कहाँ पर सेट करना है, 3 पर, इसका मतलब 2 चिल्ड्रन का मैं कंपैरिजन कर चुका हूँ, मेरे को कहाँ पर सेट करना है जे को, +2 करके। ठीक है जे +=2, i++ अपने आप हो जाएगा, आई यहाँ पर सेट हो जाएगा मेरा 15 पर, जे मेरा 7 पर सेट हो जाएगा, तो 15 के लिए रूट नोड के लिए मेरे जो चाइल्ड होंगे वो होंगे 7 और 12। ठीक है उनका कंपेरिजन होगा, और अगर कुछ भी रिटर्न फॉल्स नहीं होता, कभी भी रिटर्न फॉल्स नहीं होता, बार अगर रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब कहीं पर भी हमारा जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि मीट ना हुई हो, एक बार इसको रन करते हैं।
ठीक है, फिर लिख लेते हैं जावा में जाकर कोड, आज लिखा हुआ नहीं है उसका, क्योंकि सिंपल सा ही अपना कोड है। सबमिट पे भी मैंने क्लिक कर दिया इसके, क्योंकि सबमिट हो जाएगा ये, वह सबमिट। चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी क्या करते हैं, सिंपल अपना इंट जे इक्वल टू वन, ठीक है, फोर ए, अरे अरे अरे, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, इफ जे इज लेस देन एन एंड एंड, यहाँ पर ये वाला चलेगा, एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, इफ जे प्लस वन नेक्स्ट चाइल्ड, ठीक है, एंड एरे ऑफ जे प्लस वन इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, जे प्लस इक्वल टू टू, बाहर आकर रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर कभी फॉल्स नहीं रिटर्न होता तो रिटर्न ट्रू करना है भाई, सब कुछ मतलब सही चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको भी रन और सबमिट कर लेते हैं। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपना लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।